गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं कि हालांकि मई का हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ठीक है। देखिए मई का कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है, 19 को खत्म हो गया था। आप इसमें चेक कर सकते थे कि 19 को वो एक्सपायर हो गया था, ये देखिए। लेकिन फिर भी हमने इसे रखा हुआ है, फिर भी मैंने अपने इस पर डैशबोर्ड पर प्लेस को रखा हुआ है टेबल पर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हमें क्या चाहिए, क्यों हमने लगा रखा है कि देखिए अगर मैं जुलाई के अभी बायर सेलर चेक करता हूं तो मेरे कोई कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं लग रहे मेरे को, 160 to 300 है ही नहीं बिल्कुल अभी। उसके बाद अगर मैं जून के बोलता हूं तो जून के भी मेरे बहुत कम है, देखिए जून के भी मेरे कम है बहुत। इसको अंदाजा करके आप अपना बाय या सेल नहीं डाल सकते हैं। मतलब अगर आप बाय या सेल करने वाले हैं और आप बायर सेलर का रेशियो चेक कर रहे हैं तो शायद इससे नहीं चेक कर पाए, क्लियर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बायर सेलर का रेशियो के लिए लिया मई वाला। अब आप तीनों में चेक कर सकते हैं कि मई वाले में कितने रेशियो हैं बायर सेलर के, जून वाले में कितने हैं और जुलाई वाले में कितने हैं, तीनों में बहुत अलग अलग है। तो मेरे को कौन सा चाहिए, मैं मई वाला ले रहा हूं जिसमें मेरे को एग्जैक्ट थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है। मेरे को पता है मेरे यहाँ पर सेलर ज्यादा है और बायर कम है, तो मतलब क्रूड जो है वो नीचे जा सकता है, अभी उसकी पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की। अब हम पहले क्रूड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस पर। अब ये देखिए मैंने क्रूड लगाया हुआ है और क्रूड में मेरे को एक बड़ी अजीब सी चीज अभी मिली थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने वीक पर लगाया क्रूड को, ठीक है, मैंने क्रूड को वीक पर लगाया है और मैं इसमें फिबोनाची लगा के देख रहा हूं। ये देखिए क्रूड गिरा था और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी यहां पर। देखिए मैं यहां से फिबोनाची लगा रहा हूं और देखिए क्या स्ट्रेंज मिलता है। ये देखिए मैंने फिबोनाची लगा दी, अब ये किस एग्जिट लेवल से रिट्रेस हुआ, एग्जैक्ट वही लेवल था जहां से रिट्रेस हो गया पूरा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल। और अगर अब मैं अब इसके हिसाब से अब बोलूं कि मेरा स्टॉक कहां तक नीचे आ सकता है तो इसका लेवल क्या है, लेवल ये रहा इसका नीचे 4355। लेवल टू लेवल बात कर रहे हैं, अभी हमने पिवोट भी नहीं लगाए कुछ भी, हम लेवल टू लेवल है फिबोनाची की बात कर रहे हैं। सिंपल एक इंडिकेटर हमारा कि अभी हमारा जो एक बाय बनता है वो अंदाजन 4355 पे बनता है, यहां पर हमारा एक बाय बनता है। तो यहां से हम एक अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक किया, अगर हम डे में भी देखें इसको, डे में देख लेते हैं कि डे में यहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली 61 लेवल से रिट्रेस हुआ है नीचे, बाउंस बैक हुआ है ये, और कहां तक आया आपने 50% लेवल था। इसने अपने 50% लेवल को भी ब्रेक किया, अगर ये बहुत अच्छा बाय बनेगा तो इसका नीचे कहीं बनेगा यहाँ पर 4044 पर, इसका बहुत अच्छा कोई बाय होगा यहाँ पर। हम कोशिश करेंगे हमें नीचे कहीं मिले, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो पहला बाय हमें मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, 4355 पर यहाँ पर। और इसका नीचे जो एक हमारा पैसा बना हुआ है, इसका जो लो हमारा बना हुआ है, मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमें जो लेवल मिल रहे हैं, सबसे पहला हमारा जो बाय का लेवल मिल रहा है हमें, ये 50% लेवल हमारा ये है यहाँ पर। या हम और एक काम और कर लेते हैं, हम इसको एक और फिबोनाची लगाते हैं, एक और फिबोनाची हम लगा के देखते हैं कि हमारा लेवल हमें कहां तक वापस मिल सकता है। ठीक है, मैं यहां से एक लगा के देखता हूं कि अगर मैं यहां से एक फिबोनाची लगाता हूं तो मेरी कहां तक जाती है। यहां से अगर ये यहां तक गया है इस जगह तक, तो देखिए मेरा एक जो लेवल बन रहा है वो यहां कहीं बन रहा है नीचे, लेकिन चूंकि ये डे का है तो काफी नीचे हो सकता है। तो अगर हम अभी फिलहाल के लिए ले तो हमारा ये एक लेवल है जो कि हमारा एक बहुत अच्छा लेवल हमारा बन सकता है, और ये है 4310 का, 310 का हमारा एक लेवल है जहां से हम कोई बाय इनिशिएट कर पाएंगे।
इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, अगर आएगा तो ये ले लेगा। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, अपना मॉडिफाई कर देता हूँ 4310 पर। ये मैंने अपना ऑर्डर एक बाय इनिशिएट कर दिया यहाँ से, अगर ये लेगा तो मेरे को दे देगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमारे जो लेवल है हम देख रहे हैं, नीचे हमारा जो लेवल है 4061 का है, मतलब अंदाजन ही आप अगर 300 पॉइंट गिरेगा तो ये लेवल आएगा, तो हम उसका थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी नहीं, फिलहाल फिलहाल के लिए हमारे पास जो लेवल है 4310 के आसपास का लेवल है जो हम इनिशिएट कर सकते हैं अभी। और हमारा रिवर्स कहां से लग सकता है, एक हमारा इस जगह से रिवर्स लग सकता है 4687 से, ऊपर है अभी काफी। अगर हम और पास में जाके देखते हैं इसको, एक घंटे में देखें, तो देखिए हमारा ये एक घंटे का, एक घंटा और मैं 30 दिन ले लेता हूं इसको, तो ये देखिए हमारा अभी एक घंटा है इनिशिएट होने के लिए। अभी अगर मैं इस पर फिबोनैकी लगाता हूं, देखो सब पर फिबोनैकी हम लगा के देख रहे हैं, ये एक मेथड है फिबोनैकी लगाने का। ये देखिए एग्जैक्टली 61% के पास से रिट्रेस हुआ है यहाँ पर। और अगर अगर मैं बोलता हूँ कहां से वापस जा रहा है, तो ये देखिए एग्जैक्टली 38% रिट्रेसमेंट है जो कि इस समय इसने लिया है, देख रहे हैं आप, जो नीचे गिरा है एग्जैक्टली यहां से वापस जा रहा है। लेकिन अगर इसने यहां पर ये वाला लेवल ब्रेक किया, अगर किसी रीजन से, हमें पता है कि हमारे जो सेलर है अभी ज्यादा है, बायर हमारे कम है, तो अगर किसी भी रीजन से हमारा क्रूड अगर यहां से नीचे गिरता है तो हमारा कौन सा लेवल इनिशिएट होगा, ये वाला देख रहे हैं, और ये कौन सा है 4327। और अगर मैं इसके नीचे का एक डिमांड जोन ले लेता हूं, तो मेरा डिमांड जोन मेरे को कहां पर दे रहा है, ये 4311, ये कोई लेवल मेरा बन रहा है जहां से मेरी बाय इनिशिएट हो सकती है। तो हमें इसको देखना है कि हम क्रूड को कहां से बाय असल करते हैं, क्योंकि हम, मैं आपको जानबूझकर क्रूड में काम कराता हूं यहां पर, दिखाता हूं जिससे, क्योंकि क्रूड आपको बहुत जल्दी अमाउंट दे देता है, इक्विटी में आपको बहुत देर बैठना पड़ता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जबकि क्रूड आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट देता है और कम टाइम में देता है। और दूसरी बात, आपको एक ही लेवल पर काम करना है, एक ही स्क्रिप्ट पर काम करना है। अगर आप इक्विटी में और आप कमोडिटी में अगर आप चेक करते हैं, तो इक्विटी में बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन है, आपको करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना भी बहुत कुछ पड़ेगा। आप अगर ये चाहोगे कि मैं सब में ट्रेड कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको 2-4 स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, 10-20 स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिनमें आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप सब में काम करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। दूसरा, कॉमोडिटी की अगर हम बात करें, आपको पता है आपके पास एक ही स्टॉक है यहाँ पर बहुत अच्छा, जो जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी क्रूड, बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा काम क्रूड में चल रहा है, हमें पता है हमारे लिए एक ही स्टॉक है, हमें इसमें ही काम करना, इसके ही बाय सेल हमको देखने हैं, तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें लेवल्स को पता करना। और दूसरी बात, अगर आप एक ही स्टॉक में काम करते रहते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका लेवल कौन सा आने वाला है या कौन सा आपका लेवल है, वो आपको पता होता है। ठीक है, मैं इसको लॉग इन कर देता हूँ जिससे मेरे लेवल्स मेरे को पता लग जाए, मेरे अभी लेवल मेरे आए नहीं है इसमें क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए अगर इसमें देखते हैं हम क्रूड को, आप देखिए इस समय फोर, ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्रूड। अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं क्रूड पर, तो क्रूड ऊपर जाने की अभी कोशिश नहीं कर रहा, नीचे आने की कोशिश जरूर कर रहा है। ये ऊपर तक गया था, यहां से रिजेक्शन लेके फिर वापस आ रहा है, तो इसका नीचे का लेवल कौन सा है, ये 4389 अराउंड। और अगर ये इसको ब्रेक करेगा, तो अगर हम जीरोदा की तरफ से देखते हैं, तो हमारा ये 4322 एग्जैक्टली अराउंड वहीं पर ही आ रहा है। तो हमारा जो बाय इनिशिएट होगा वो अंदाजन यहां से होगा, हम यहां से बाय इनिशिएट नहीं करेंगे, इस जगह से नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि रात तक क्रूड यहां पर आ जाए नीचे, यहां से हम बाय इनिशिएट करेंगे अपने। ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है हम यहां से कोई अभी ट्रेड ले लें, पॉसिबल हो सकता है कि कोई ट्रेड हम ले लें यहां पर। ये हमारा ऑन हो गया है, हम देखते हैं हमारा अभी लेवल पर कहां चल रहा है, 4411 पर चल रहा है अभी आपका, ये अभी है टाइम, नीचे गिर सकता है आराम से। चलिए अब हम अपनी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, आप लोग स्ट्रेटेजी के लिए रेडी हैं,
यह सोफ्ति जी भी हमारे साथ है, नीरज जी भी हमारे साथ है, भीम सिंह जी भी हमारे साथ है। हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी आज डिस्कस करने वाले हैं। एक नई नई स्ट्रेटेजी है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, और वो स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ स्ट्रेटेजी मैंने अपने रखी हुई है और कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटेजी आज मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपके स्टॉक्स इसमें से कुछ निकल के आएंगे काम करने के लिए। मैं इसको हटा देता हूँ सारे जितने भी हैं। यस, अब हम चलते हैं स्टॉक पर। हमारी स्ट्रेटेजी हमें क्या बोलती है, मैं इसको पहले लगा लेता हूँ। मैं सपोज आईबोल फाइनेंस का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आज पता है आपको स्टॉक बहुत बुरी तरह गया है। चलिए, हाँ एक चीज एक काम और करते हैं, निफ्टी को आज चेक कर लेते हैं कि निफ्टी हमारा या बैंक निफ्टी कहां तक गए थे, हमने उसको चेक नहीं किया। निफ्टी बैंक देख लेते हैं कि क्या हमारे किसी लेवल पर रुका है। आज बहुत बुरी तरह गया है बैंक निफ्टी, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह। आपको पता है इसने बहुत ये रैली थी और रैली भी आपको पता है, ये देखिए एग्जैक्टली इसने यहां से अप लिया है और यहां तक गया हुआ है। और अभी अगर पीछे का कोई हम लेवल ढूंढने की कोशिश करें, मंथली लेवल इसका, तो हमें मंथली लेवल तो नहीं मिल रहा है। मंथली लेवल के ये हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। क्वार्टरली भी हमें कोई नहीं मिल रहा है, ईयरली कुछ नहीं हमें मिल रहा है ये अभी। तो अभी हम देखते हैं कि हो सकता है ये कोई रिट्रेसमेंट ले, और रिट्रेसमेंट कहां तक ले सकता है बैंक निफ्टी, यहां तक कम से कम 30,660 तक। अभी 30,760 के आसपास चल रहा है, 30,660 मतलब एक 100 पॉइंट का मूव ये नीचे ले सकता है अभी बैंक निफ्टी। इसको हम अगर पास में देखें तो 5 मिनट में अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखिए इसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया है और ये नीचे तक का एक इसका रिट्रेसमेंट बनता है। अगर मैं यहां से इसका चेक करना शुरू करूं, देखिए हम यहां से ले लेते हैं फिलहाल। अगर मैं यहां से इसको एक फिबोनाची डाल देता हूं तो ये देखिए मेरा कम से कम 50% का हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। तो यहां तक एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आता है या फिर यहां तक, तो ये इतना रिट्रेसमेंट अभी ले सकता है, इसके पास अभी टाइम है। ठीक है, हम चलते हैं आज अपनी स्ट्रेटेजी पर। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, किसको याद है अगर तो मेरे को बताए। यस, किसी को अगर याद हो तो बताए हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। हाँ जी, नहीं बोले शरामी, बियरी शरामी, शरामी बियर शरामी, यस यस एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, यस ये कुछ हमने किए थे लास्ट टाइम। अभी हम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इन्हीं को चेक करते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी पर जाएंगे। हम देखते हैं कि क्या ऐसी कोई कैंडल हमारी बनी थी, ऐसी कोई कैंडल हमारी बनी थी। यस, हम देखते हैं आईबोल फाइनेंस में देखने की कोशिश करते हैं क्या इसमें हमारी कोई कैंडल बनी थी। यस, ये दिख रही है आपको कैंडल, मैं पेन ले लेता हूं। हम हल्का सा रिवीजन में एक बार दोबारा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, जिससे आप अगर भूल गए हैं तो आप याद कर पाए उसको। लास्ट टाइम हमने किया था दो चीज, पहले दो चीजें हमने की थी, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ठीक है, और उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जिससे हम स्ट्रेटेजी में आगे जाने से पहले इसको चेक कर सकें। हमने बुलिश हरामी जो किया था वो हमारा कैसा था कि अगर आपका स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है यहां से, और नीचे गिरते हुए आपको यहां पर एक रेड कैंडल मिलती है, यहां पर आपको एक रेड कैंडल मिलती है और दूसरी एक ग्रीन कैंडल बनती है, दूसरी एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो इसके अंदर अंदर बनती है। यस, चेक कर लेते हैं दोबारा से। आपका स्टॉक नीचे गिर रहा है और नीचे गिरते हुए उसने एक रेड कैंडल बनाई है यहां पर, पूरी रेड कैंडल, और दूसरी कैंडल जो बनी है वो ग्रीन है। ये वाली आपकी रेड कैंडल है और ये वाली आपकी ग्रीन कैंडल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल उसके अंदर ही अंदर बनी है। अंदर का मतलब इसका हाई ये रहा और इसका हाई ये रहा, हाई और लो टच नहीं होने चाहिए, इसके अंदर अंदर बनेगी। ये आपका क्या साइन देगा
कि मार्केट आपका चेंज हो सकता है, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, आप अपना बाय कहां पर लगाएंगे, आप अपना बाय जो लगाएंगे क्योंकि ये नीचे गिरते हुए बनी है तो ये आपके पास बुलिश हरामी होगा, इसका मतलब ये यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा, और आप कहां पर अपना बाय लगाएंगे, यहां पर बाय आपके पास यहां पर होगी, एक पॉइंट का बफर ले लेंगे, यहां पर बाय एक पॉइंट का बफर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 700 रुपीज पे स्टॉक है यहां पर, तो 701 एक पॉइंट का बफर, एक पॉइंट का बफर आपने यहां पर लिया, और एक पॉइंट का बफर लेने के बाद आप यहां पर अपना जो स्टॉक है वो यहां पर आप अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका जो स्टॉक है वो जा रहा है ऊपर, देखिए आपका स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए उसने ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर जाते हुए उसने ग्रीन कैंडल बनाई, और ग्रीन कैंडल बनाते हुए उसने बीच में एक रेड कैंडल बना दी ऐसे, इसका लो और इसका हाई टच नहीं होना चाहिए, इसके बीच में बनेगी ये कैंडल, क्योंकि ये स्टॉक आपका ऊपर जा रहा था तो यहां से आप सेल इनिशिएट करेंगे एग्जैक्टली इस जगह से, एक पॉइंट का बफर लेके नीचे आप इसमें सेल इनिशिएट करेंगे, ये आपका क्या हुआ, ये आपका बुलिश हरामी, ये आपका क्या है, बियरिश हरामी। क्लियर, दोनों का डिफरेंस हमें समझ में आ गया। तीसरी चीज हमने की थी बुलिश एंगल्फिंग, अगर आपका स्टॉक नीचे आ रहा है यहां पर और एक रेड कैंडल बनती है, ये आपकी रेड कैंडल बनी है छोटी सी, दूसरी एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा एंगल कर लिया, पूरा कवर कर लिया, इसे आप क्या देंगे, इसे आप बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग इसका नाम देंगे। अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते हुए यहां पर जाते हुए एक आपकी ग्रीन कैंडल बनी और उसके साथ में एक बड़ी कैंडल बन गई जिसने इसको पूरा कवर कर लिया, और ये कैंडल कौन सी है आपकी, रेड, इस केस में ये कैंडल कौन सी थी, ग्रीन, इसको क्या बोलेंगे आप, बियरिश एंगल्फिंग, ये हो गया बियरिश एंगल्फिंग। तो अभी हम जरा एक मिनट चेक कर लेते हैं कि आज हमारे क्या कोई बियरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग बने थे, यस, देखने की कोशिश करें हम कहीं पर हमारे बुलिश या बियरिश एंगल्फिंग बने हो। मैं आपको अभी मार्क करके खुद बनाता हूं कि कहां पर बने हैं, ये देखिए ये क्या है, यस, देख रहे हैं, और देखते हैं कहीं पर हमारा अगर बना होगा, हाँ और देखते हैं हम कहीं पर हमारा अगर बना होगा तो हम उसको भी चेक करेंगे। हालांकि देखिए ये भी हमारा बना था, ये हमारा था, मगर हमने इसको अवॉइड किया क्योंकि यहां से सेल होता नीचे, ये हमारा बियरिश एंगल्फिंग नहीं है, ये हमारा बियरिश एंगल्फिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका लो, हाँ ये नीचे निकल रहा है, ये भी हमारा बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके अप से जा रहा है, हम इसको और पीछे चेक करते हैं, हमें कहीं पीछे अगर मिल रहा हो तो हम पीछे भी चेक करेंगे इसको, और किसी स्टॉक में आज एक्सिस बैंक बना है, एक्सिस बैंक में चेक करते हैं, आज तो सारे मिल जाएंगे हमें, काफी ढूंढने की कोशिश करेंगे हमें मिल जाएंगे। यस, दिख रहा है कहीं पर, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी ये वाला दिख रहा है आपको, बियरिश एंगल्फिंग, ये आपका बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ये आपका बुलिश हरामी, ये देखिए स्टॉक नीचे आ रही है
और ये इसने कैंडल बनाई है इसके अंदर अंदर ये बुलिश एंगल पे, मतलब ये बुलिश हरामी ये ऊपर जा सकता है, अभी वेट कर सकते हैं इसकी, ये ऊपर जाएगा। आप इसको ऐसे भी देखिए, आज स्टॉक हमने किया था, आप इसको ऐसे भी जज कर सकते थे। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, ये ट्रेंड जैसे ही ब्रेक हुई उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे आया पूरा। और कोई स्टॉक हम देख निफ्टी में ही चेक कर लेते हैं, निफ्टी में आज बना कि नहीं बना, मेरे ख्याल से निफ्टी तो बहुत ही अच्छा होगा चेक करने के लिए। निफ्टी बैंक में चेक कर लेते हैं, निफ्टी बैंक में कहीं हमारी ऐसी कैंडल बनी है आज, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, हम चेक करने की कोशिश करते हैं कहीं हमारे पास ये बनी हो जिससे हमें पता लगा हो कि हमारा स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। यस, ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल डेली बनती है डेली। यस, ये दिख रही है आपको, यस। यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर आपको कहां पर अपना बाय इनिशिएट करना था, ये देखिए, ये आपका क्या था बुलिश हरामी, आपको कहां पर अपना बाय इनिशिएट करना था एग्जैक्टली, यहां पर इससे ऊपर एक पॉइंट का बफर लेके ये आपका बाय इनिशिएट हो रहा था पूरा। आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहता नीचे, और आप चेक कर सकते हैं इसको, इसने कितना केवल इस बुलिश हरामी के बाद क्या अपनी रैली ली है, ये आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि रैली हमारी कितनी तगड़ी थी, अच्छी रैली इसने हमें दी है यहां पर। अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी की बजाय बात करते हैं, मैं केवल निफ्टी में अगर देखता हूं तो क्या निफ्टी में भी ऐसा बना था, हम निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा निफ्टी में हमें कहीं दिख रहा था ऐसा, ये क्या निफ्टी में देख लेते हैं, ये नहीं बना है हमारा निफ्टी में, जबकि नहीं दिख रहा था मेरे को अभी निफ्टी में, नहीं दिखा है मेरे को अभी यहां, ये बना है बियरिश हरामी पर इसने नहीं वर्क किया इसने। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाकी हमें अभी नहीं मिल रहा है फिलहाल, यहां पर देखिए यहां पर भी नहीं बना है इसने अभी फिलहाल, यहां पर नहीं बना है, ठीक है। और हम पीछे चेक करते हैं, निफ्टी में ही चेक कर लेते हैं कि हमें पीछे कहीं मिल रहा है हमारा जो हमने बियरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग किया है, कहीं पर हमें दिखता है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक थोड़ा बोरिंग सा टास्क होता है कैंडल्स को ढूंढना, लेकिन अगर आपको मिलती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखिए ये क्या था, ये मेरे को बता सकते हैं ये वाला, यस मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं यहां पर, ये स्टॉक नीचे आ रहा था और नीचे आते हुए इसने ये एक बनाई है, ये क्या बनी है, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। हमें केवल पहचानना है कैंडल को, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल कैंडल्स को पहचानना है जिससे हम अपना वर्क कर सके। अब देखिए और मैं पीछे देखने की कोशिश करता हूं, कहीं पर मेरे को मेरे स्टॉक में से मिल रहा है कुछ वर्क, मेरे काम की चीज मेरे को मिल रही है तो, अगर क्योंकि ये कैंडल डेली बनती है। अब देखिए ये क्या है, देखिए स्टॉक बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा, आपको पता है स्टॉक, देखिए ये निफ्टी कितना बुरी तरह से ऊपर नीचे गिरा, नीचे गिरते हुए कोई पैटर्न नहीं बनाया। हाँ जी देखिए इसने कोई पैटर्न नहीं बनाया नीचे गिरते हुए, और मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूं, ये नीचे आते हुए अगर किसी ने बाय किया था तो देखिए ये नीचे आते हुए इसने कोई भी पैटर्न नहीं बनाया, नॉट इवन अ सिंगल पैटर्न, देखिए कुछ नहीं बनाया। जैसे ये यहां पर आया, कोई लेवल होगा, हमने लेवल अभी लगाए हुए नहीं है, तो यहां पर मैंने देखा मेरी ये कैंडल बनी है, ये कौन सी कैंडल है, यस ये कौन सी है, बुलिश हरामी, बियरिश नहीं, बुलिश क्यों, नीचे आते हुए नहीं, एंगल्फिंग नहीं है, बियरिश ये बुलिश हरामी है। अगर मैं इन दोनों कैंडल को जोड़ दूं तो शायद बड़ी हो जाए, पर फिलहाल के लिए बड़ी नहीं है। ये देखिए ये बड़ी कैंडल है और इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनी हुई है जिसने इसके हाई और लो को टच नहीं किया है, देख रहे हैं, इसके बगल में बुलिश एंगल्फिंग इसके अंदर है, इसके बगल में बुलिश एंगल्फिंग बड़ी वाली, हाँ ये वाली बड़ी वाली ये वाली है,
ये इसको बोल सकते हैं आप बुलिश एंगल्फिंग, ये है देखिए ये वाली है, और इसका रीजन क्या है, आप इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका हाई और इसका लो, देखिए इस अंदर वाली कैंडल ने टच नहीं किए, इसके अंदर ही अंदर है, जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए इसका हाई और इसका लो दोनों बाहर हो रखे हैं नेक्स्ट वाली कैंडल में, इसलिए इसको बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं हम लोग। क्लियर, इसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, ये आपकी क्या है अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो, ये कौन सी है, बियरिश एंगल्फिंग मतलब नीरज जी को प्रैक्टिस हो गई है, नीरज जी बड़े आराम से कैंडल्स को पहचान लेते हैं। अब देखिए ये क्यों बियरिश एंगल्फिंग है, जो नए आए हैं मैं उनको बता देता हूँ। देखिए ये हमारी ऊपर जा रहा था स्टॉक और ग्रीन कैंडल बनी थी, और ग्रीन कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल आई जिसने इसको पूरा कवर कर लिया, पूरा का मतलब देखिए इससे हाई इसका ऊपर है और इससे इसका ये लो था, इससे लो भी नीचे है, मतलब इस कैंडल को इसने पूरा कवर कर लिया, पूरा एंगल आप क्या नाम दोगे, पूरा एंगल कर लिया, इसको आप नाम दोगे बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। और बियरिश एंगल्फिंग में आपको पता है आपको कहां पर सेल करना है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपको जो बियरिश एंगल्फिंग में सेलिंग करनी है, वो सेलिंग आपके पास जो पॉइंट है सेलिंग का वो ये है, ठीक है। और आपको पता है मेरे को एक दो पॉइंट का बफर रखना है, तो बफर का मैंने थोड़ा सा और नीचे कर लिया, दो पॉइंट और नीचे यहां पर, और उसके बाद सेलिंग में आप चेक कर सकते हो क्या आपको ये सेलिंग मिली है बहुत अच्छी तरह से। क्लियर, इसके साथ हम एक दो जगह और ढूंढ लेते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी पे वापस चलते हैं। ये मेरे को आपको बताना था इसलिए मैं आपको इसमें लिया, कोई और स्टॉक बताए तो उसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई भी अपनी तरफ से स्टॉक बताए उसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मेरे को पता ही ना हो। कौन सा देखें, हाँ जी टाटा एम टी डी बी आर देख लेते हैं एक बार, मैंने लिया था, नहीं ये नहीं, डीएचएफएल, यस डीएचएफएल देख लेते हैं, डीएचएफएल ऊपर गया था ये, मैंने इसकी कैंडल चेक नहीं की है अभी, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या हमारी कोई ऐसी कैंडल बनी थी, मैं इसको हटा लेता हूं देखिए, और अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी कोई ऐसी कैंडल बनी थी जो कि इसको एंगल करना या कोई भी पैटर्न हमारा बनाया हो। यस, दिख रही है इसमें कहीं आपको, ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, अभी से शुरू करते हैं यहीं से ही, करंट से शुरू करते हैं, कहीं अगर आपको दिख रही हो कोई भी कैंडल तो आप मेरे को बताएं, कोई भी कैंडल अगर आपको लग रही है आप मेरे को बताएं कि सर ये कैंडल है और ये बनी है, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए, आपको पता रहे कि आप कौन सी कैंडल देख रहे हैं और कौन सा पैटर्न बना है, ये कौन सा पैटर्न है, कोई मेरे को बता पाए, अब क्या बना? कौन सा पैटर्न है ये, नहीं रहने जा रहा है, हियर ही शरामी, क्या ये बन रहा है हियर ही शरामी, यस ये आपका कौन सा पैटर्न है हियर ही शरामी का, और देख लेते हैं हम, ठीक है, हम केवल कैंडल को पहचान रहे हैं क्योंकि हमारा कैंडल पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा स्टॉक हमें दिक्कत कर सकता है, ठीक है। एक दो कैंडल हम और पीछे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा बनी थी, ये देखिए ये क्या आएगा मेरे को, ये क्या है और इसके बाद मार्केट कहाँ गया, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये शरामी, यस बियरी शरामी, आपको सेल कहाँ करना था इसके नीचे, और इसके नीचे सेल करके आप चेक कर सकते हैं आपका सेल कहाँ तक गया है, यस डाउट इसमें कोई,
कोई डाउट हो तो मेरे को बताएं। ये हर एक जगह पर आपको मिलेंगे, हर एक दिन कोई भी स्टॉक आप उठा के देख ले, ए टू जेड कोई भी स्टॉक उठा के देख ले। बड़ा मैं रिलायंस ले लेता हूँ, बड़ा स्टॉक है, मैं रिलायंस ले लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस में चेक करते हैं कि रिलायंस में कोई कैंडल ऐसी बन रही है। हम भले रिलायंस में काम ना करें लेकिन हम कैंडल्स तो चेक कर ही सकते हैं। यस, कैंडल चेक करने में तो हमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। देखिए ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, ऊपर जा, हम एक काम करते हैं, हम बिल्कुल एक एक कैंडल पे से चलते हैं, एक एक कैंडल, जिससे आप साइकोलॉजी समझ सके। या मैं आपको कहां से ले जाऊं, एक मिनट, यस चलिए ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको एक यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से शुरू करते हैं। यस रेडी, साइकोलॉजी देखते हैं अब, ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं। अभी देखिए मेरे को पता नहीं इस कैंडल के बाद क्या है, इस कैंडल के बाद मेरे को पता नहीं है कि इस कैंडल के बाद मेरे पास क्या है। हम साइकोलॉजी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट की, कि मार्केट में क्या है। अब मैं इस समय, मेरी एक बहुत बड़ी कैंडल गिरी है नीचे, मेरी एक बहुत बड़ी कैंडल गिरी है नीचे, और ये है बियरिश एंगलफिंग। इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को नहीं पता आगे कैंडल्स क्या है, मैं जानता ही नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरी जो कैंडल है वो इस समय जो मार्केट है वो बियरिश हो गया है, क्योंकि इसने बियरिश एंगलफिंग बनाया है। इसका मतलब इसके नीचे मेरे को सेल करना है, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, और मार्केट अभी नीचे जाएगा, ये श्योर है। मैं आगे चला, आगे चला, देखिए आगे चला, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये मार्केट नीचे आया, इसने ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बाय करना है तो बाय इस कैंडल से ऊपर ही होगा, क्लियर। एक चीज मैं और बता देता हूँ, एक मिनट, एक चीज और बता देता हूँ आपको करने से पहले, ठीक है। यस, और पीछे ले, यस देखिए एक चीज छोटी सी ध्यान से समझ लीजिए, आपके काम की चीज है ये। अगर देखिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट अगर गिर रहा है और आप बोलेंगे कि आपका मार्केट बुलिश हो गया या आपका स्टॉक जो है वो बाय जोन में आ गया, तो आप कैसे बोलेंगे? यस, आप मेरे को बता सकते हैं, अगर आपका स्टॉक नीचे गिर रहा है आप कैसे बोलेंगे कि वो स्टॉक बाय जोन में आ गया? यस, कौन बताएगा मेरे को? मैं आगे एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। यस, ये वाला देखिए, मेरा स्टॉक नीचे गिरा, ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, यहां से उठ भी गया, मैं कैसे बोलूंगा कि मेरा जो सेलिंग वाला जोन है वो खत्म हो गया, अब बाय जोन आ गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया जिसे आप बोलते हैं, कैसे बोलेंगे आप? एनीवन, कोई भी बताओ, या तो आप किसी इंडिकेटर का यूज करोगे, ठीक है, या तो आप किसी इंडिकेटर का यूज करोगे, या एक साइकोलॉजिकल मेथड है, एक आपका पास आई फिटनेस जिसको बोलते हैं, बस ऐसे बोल सकते हैं, वो आई फिटनेस है, आई व्यू है आपका एक, कैसे कर सकते हैं आप? जैसे आपका स्टॉक नीचे चला, ठीक है, आपका स्टॉक, मैं यहां से शुरू करता हूं, इस जगह से, यहां से शुरू करूंगा मैं, ठीक है। देखिए ये आपका स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ था, जैसे ही आपका स्टॉक नीचे गिरा आपने सेल किया, या बाय लेने वाले हैं तो बाय कैसे लेंगे? बाय लेने के लिए आपने चेक किया कि आपकी करंट कैंडल कौन सी है, ये अगर ये इससे ऊपर निकल जाएगा तो ही मैं बाय ले सकता हूं। इसका मतलब मेरा पहला बाय कहां पर बना? मेरा पहला जो बाय बना है वो बना है मेरा यहां पर, इस जगह पर, इससे ऊपर जाएगा तो मैं बाय लूंगा, क्लियर। ये मेरी 5 मिनट की कैंडल खत्म हो गई, दूसरी कैंडल मेरी शुरू हुई यहां पर और ये नीचे गई है, यहां से यहां तक का बाय क्या था मेरा? यहां से यहां तक का बाय मैं किसको मानता? इससे ऊपर। लेकिन अब चूंकि मेरी दूसरी कैंडल शुरू हो गई है तो इसलिए मेरा बाय जोन कौन सा आ गया? मेरा बाय जोन कहां पर शिफ्ट हो गया? यहां पर,
मतलब अब इससे ऊपर अगर जाएगा तो मेरा बाय जोन होगा, गॉट इट। अब नीचे चले, आप नीचे आए फिर एक कैंडल बन गई, क्योंकि अभी तक मेरा बाय जोन कहां पर था, यहां पर। अब चूंकि एक और कैंडल बनी, इसने इसके भी लो को तोड़ दिया, ऐसे ही बोल सकते हैं, देखिए इसने लो को तोड़ा यहां पर आया, इसने लो को तोड़ा यहां पर आया, तो मेरा बाय जोन कहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर। यस, मेरा बाय जोन कहां पर आ गया, यहां पर। मेरी बाइंग कहां पर आ गई, यहां पर। उसके बाद ये फिर नीचे चला, फिर नीचे चल के इसने एक और लो को तोड़ा, फिर यहां पर आ गया, तो मेरा बाय कहां पर आ गया, इस जगह पर। मतलब मेरा बाय कहां से शिफ्ट हो गया, इस जगह से शिफ्ट होके मेरा बाय आ गया मेरा यहां पर, देख रहे हैं? मेरा बाय था यहां पर, पहला बाय यहां पर था, नहीं हो गया, रिजेक्ट हो गया, दूसरा बाय यहां पर है, रिजेक्ट हो गया, तीसरा बाय यहां पर है, रिजेक्ट हो गया, चौथा बाय मेरा इस वाली पे है लेकिन ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए ये मेरा पहला बाय इस जगह पर, मैं इसको अब एक बार रिमूव करके दोबारा से बनाता हूं। अब मेरा पहला बाय आ गया यहां पर, देख रहे हैं? और मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग बाय लेता हूं तो मेरा दूसरा बाय अगर कवर होगा ये वाला, तो मेरा सेकेंड बाय जो होगा ये स्ट्रांग बाय होगा, ये थोड़ा सा स्ट्रांग बाय होगा। आप यहां पर चेक कर सकते हो, इसे ऊपर स्टॉक गया, यहां तक गया, फिर ये रुका स्टॉक, ठीक है, नीचे आने की कोशिश की, और उसके बाद इसने इस जोन के बाद ऊपर अपनी रफ्तार पकड़ी है, देख रहे हैं? यस, देख रहे हैं? अब अगर हम क्या बात कर रहे थे उस टाइम पर, ये मैंने आपको बता दिया, या आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं अप जोन में देखूं, इसी चीज को अगर मैं अप जोन में देखूं या अप ट्रेंड में देखूं, तो मेरा यहां पर क्या होगा, इस जगह से शुरू करते हैं। देखिए जहां पर अगर मेरे को सेलिंग करनी थी तो मेरे को सेलिंग कहां पर करनी थी, साइकोलॉजिकल वे लेते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को सबसे पहले सेलिंग कहां होनी थी, मेरी सबसे पहला स्टॉक ये था और मेरा सेल जोन था ये, डन, ये मेरा स्टॉक ऊपर चला गया और मेरा सेल जोन शिफ्ट हो गया यहां पर, नेक्स्ट सेल जोन शिफ्ट हो गया मेरा यहां पर, नेक्स्ट सेल जोन शिफ्ट हो गया मेरा यहां पर, नेक्स्ट सेल जोन शिफ्ट हो गया मेरा यहां पर, और नेक्स्ट सेल जोन शिफ्ट हो गया मेरा यहां पर। अब मेरे दो लेवल हैं जहां से मेरे को अपनी स्ट्रांग सेल मिल सकती है। पहला कौन सा है मेरा, ये वाला, अगर इससे नीचे, क्योंकि इससे ऊपर गया ही नहीं, इसके हाई को इसने ब्रेक ही नहीं किया, अब अगर इसके नीचे मेरे को अगर सेल मिलती है यहां पर, तो मेरा एक नॉर्मल सेल होगा, और अगर इसके नीचे वाले पर मेरे को यहां पर मिल जाती है इस जगह पर, तो ये मेरा स्ट्रांग सेल होगा। ये समझ रहे हैं? आइए चीज समझ में। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है बात को, चाहे लॉजिक में हो सकता है मेरा लॉजिक ही गलत हो, मैं नहीं बोलता इसको, क्या पता जो मैं सोचता हूं वही गलत हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जितने इंडिकेटर बनाए हुए हैं किसी ना किसी ने बनाए हुए हैं, उसकी कमी थी तभी बने हैं वो। आज की डेट में ट्रेडिंग में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स यूज होते हैं, वो जरूरत के हिसाब से बने हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूं कि क्या मेरा ये थ्योरी मेरी काम करती है, तो यस मेरे को लगता है मेरी थ्योरी काम कर रही है, इसलिए मैंने इसको लिया है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आपकी रैली ऊपर गई थी, आपका पहला जो सेल बनता था वो कहां पर आता था, इस जगह पर। मेरा जो पहला सेल मेरा बन रहा था वो मेरा इसमें कहां पर, अगर मैं यहां पर देखूं, देखिए हम यहां पर चेक करते हैं, ये मेरी रैली जा रही थी, छोड़ दो पीछे को चाहे, ये मेरी रैली जा रही थी ऊपर, और इसमें जा इस जगह पर मेरा सबसे पहले ऊपर जाते हुए सेल कहां पर था, यहां पर, ये शिफ्ट हो गया यहां पर, नेक्स्ट वाले पे, यहां नहीं गया ये, नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हुआ मेरा यहां पर, इसका मतलब इससे ऊपर स्टॉक गया नहीं है, तो मेरा सेल सबसे पहला सेल मेरा यहां पर आया, और मेरा दूसरा सेल जो है वो यहां पर है। मेरे लिए स्ट्रांग सेल कौन सा है, यस, कौन बताएगा मेरा स्ट्रांग सेल कौन सा है? यस, कौन बताएगा कि स्ट्रांग सेल कौन सा है, ये सेकंड नंबर वाला, ये वाला? मैं पहले वाले को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है मेरे लिए, लेकिन दूसरे वाले में कंफर्मेशन है मेरे लिए कि हाँ यहां से आप सेल भी कर सकते हो, और इसके साथ में आप इंडिकेटर भी ले सकते हो,
अगर आपने इंडिकेटर भी साथ में लिए तो आपको एक अच्छा सेल मिल सकता है, बहुत अच्छा, वहां पर अपना वर्क भी कर सकते हो। यस, ये आपका हो सकता है काम, तो यहां पर आप अपना एक सेल इनिशिएट कर सकते थे इस जगह पर, यहां से हमने अपना एक सेल इनिशिएट किया और यहां से हमें एक सेल अपना मिल गया। सेम यहां पर अगर आप आगे कहीं पर देखते हो, ये देखिए यहां पर इस जगह पर अगर मैं चेक करता हूं, यहां पर क्या हुआ, सबसे पहला जो मेरा सेल था, मेरा जो सबसे पहला सेल मेरा बन रहा था वो कौन सा था, अगर मैं यहां से चेक करता तो मेरा बाय कहां पर था, यहां पर इस जगह पर सबसे पहला, अगर इससे ऊपर निकलेगा तो मैं बाय लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। नीचे मैं आया, यहां पर नीचे मैंने चेक किया, मेरी कैंडल यहां पर बनी, इससे ऊपर निकली नहीं है। नेक्स्ट वाला मेरा जो सेल था वो कहां पर आ गया, इस जगह पर बाय, सॉरी, देखा मैंने इससे ऊपर नहीं निकला, नेक्स्ट मेरा बाय यहां पर आ गया, नेक्स्ट बाय यहां पर आया, नेक्स्ट बाय यहां पर आया, नेक्स्ट बाय यहां पर आया, कोई ब्रेक नहीं हुए, नेक्स्ट बाय यहां पर आए, ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट बाय मेरा यहां पर आया, लेकिन इससे नीचे मेरी कैंडल नहीं बनी अभी। तो इसका मतलब सबसे पहला जो मेरा बाय आया है वो ये है, ये मेरा फर्स्ट बाय है। उसके बाद जो सेकंड बाय है वो कौन सा है जो मेरे को श्योर करेगा कि हाँ मेरे को मेरा बाय मिल गया है, वो मेरा सेकंड वाले पॉइंट पर होगा। यहां पर जो मेरा बाय है वो मेरे लिए एक अच्छा बाय है, यहां पर जो बाय मिलेगा आपको एक अच्छा बाय मिल सकता है और आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको रैली अच्छी मिल रही है। यस, आगे भी देखते हैं हम कहां पर है, ठीक है, बाय कहां पर हमारा इनिशिएट हो रहा है, हम वहां पर चेक कर लेते हैं, ये रैली गई है ऊपर, हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा कहीं बाय इनिशिएट हो रहा है या सेल इनिशिएट हो रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, यहां पर ये आपका ऊपर बाय गया, ठीक है, हमारा सेल कहां पर बनता था, यहां पर, दूसरा हमारा बाय ऊपर गया, हमारा सेल शिफ्ट हो गया इस जगह पर, तीसरा हमारा बाय ये गया, हमारा सेल शिफ्ट हो गया यहां पर, उसके बाद देखिए आपका नीचे नहीं आया क्योंकि सेल तो मेरा यहां से होना था, लेकिन यहां तो आया नहीं है अभी, अभी मैंने ऊपर ही वेट करूंगा, फिर मेरा कौन सा आ गया, जो बाय था वो ये सेल शिफ्ट हो गया मेरा, या इसको भी बोल सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है, लेकिन मेरे को बेटर सेल मेरा इसके नीचे था, लेकिन नहीं हुआ, ये आया, फिर मैंने चेक किया तो इसके ऊपर चला गया, ये वाला भी नहीं आया, फिर मैंने और चेक किया, इसके ऊपर चला गया, यहाँ नीचे नहीं आया, फिर इसके ऊपर चला गया, नहीं आया, इसके ऊपर चला गया, यहां तक किया, ब्रेक मेरे को कहां पर चाहिए था, इस जगह पर, ये देखिए सेल की कैंडल बनी है, लेकिन मेरा सेल कहां पर था, मेरा सेल तो यहां पर था, इस जगह पर, तो ये भी नहीं मिला मेरे को, एक अगला मेरे को सेल मिला इस जगह पर, ये अब मैंने चेक किया कि इसके ऊपर मेरी कोई कैंडल बनी है, नहीं बनी है। अब मेरे को यहां पर मेरे दो सेल हो गए हैं जो कि मेरे को श्योर करेंगे कि मेरी सेलिंग इस स्टॉक के अंदर आ गई है, और वो मेरे कौन से दो पॉइंट हैं जो कि मेरे को श्योर करेंगे कि मेरी सेलिंग मेरे पास अब आ गई है, इस पॉइंट से नीचे मेरी सेलिंग है। पहला सेल मेरे पास यहां पर है, दूसरा सेल ये भी हो सकता है, और अगर आप ये नहीं चाहते हो तो ये वाला भी हो सकता है, दोनों आप ले सकते हो, ठीक है, ये बना है, मैं इसको सेलिंग यहां पर कर देता हूं, ठीक है। आपने क्या किया, इस जगह से ये फर्स्ट सेल है आपका और ये आपका सेकंड सेल है। मैंने आपको बोला सेकंड सेल पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, यहां से इस जगह से यहां तक का पूरा आपका एक सेल था, चल दो देख रहे, और चेक कर लेते हैं, और हमें कहीं पर मिल रहे हो तो और भी हम चेक कर लेते हैं यहां पर, यस, ये आज की कैंडल देख लेते हैं, अगर आज की कैंडल में हमें कुछ मिल रहा है तो, आज की कैंडल बड़ी रफ बनी है, तो और कोई स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है, और टाटा स्टील देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, देख लेते हैं टाटा स्टील में अगर हमें कुछ मिला है, हम कैंडल्स में अगर हमें मिलता है, ऐसा कोई पैटर्न हमें मिलता है तो हम कैंडलस्टिक को प्रीफर करेंगे। यस, देखिए अब क्या हुआ, मेरे को सेलिंग चाहिए थी, सेम कंसेप्ट हमें, बहुत छोटा अजीब सा कंसेप्ट है, मतलब आप बोलेंगे तो फुलिश कंसेप्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं,
मैं भी बोलता हूँ पोलिश कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है। अब आप देखिए आपका स्टॉक ये ऊपर जा रहा था, आपका सबसे पहला सेल जोन कौन सा था, सबसे पहला मैं 5 मिनट की कैंडल पर बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं 5 मिनट की कैंडल है, मेरा पहला जो सेल जोन था वो ये था, इससे नीचे मेरा सेल जोन था सबसे पहला वाला। दूसरा वाला मेरा जो सेल जोन था वो कहां पर शिफ्ट हो गया, मेरा सेल जोन कहां पर शिफ्ट हो गया, दोबारा यहां पर। तीसरा वाला सेल जोन कहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर। चौथा वाला कहां पर हुआ, यहां पर। पांचवा वाला कहां हुआ, यहां पर। छठा वाला कहां हुआ, यहां पर। यस, मेरा जो लास्ट सेल था वो यहां पर था, अभी मेरे को इससे नीचे सेल करना था। यस, इससे ऊपर ये कैंडल्स बनी है, ये कंटिन्यूएशन जोन बना है। आप चाहो तो ये कंटिन्यूएशन जोन जो बना है, नीचे जो लोएस्ट लिया है ये भी है, इसका एक आप अपना सेलिंग जोन मान सकते हैं। तो देखिए अगर मैंने ये सेलिंग जोन माना है, इसका इसके ऊपर ही मेरा कोई सेलिंग जोन बना है, यस ये भी बना है, देख रहे हैं। तो मेरे पास दो सेलिंग जोन आ गए, एक मेरा फर्स्ट वाला ये और एक मेरा सेकेंड वाला ये। अब मेरे को कहां से सेल करना है, मैं फर्स्ट वाले को आपको मना कर रहा हूं यहां से सेल करने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सेकंड वाले से सेल करोगे, मतलब इस जगह से आपने सेल किया और यहां से सेल करने के बाद आप अपनी रैली चेक कर सकते हो। क्यों, और देख लेते हैं, हम एचडीएफसी बैंक में भी देख लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास, एचडीएफसी बैंक में देख लेते हैं हम एक रैली। एचडीएफसी बैंक में अगर हमें कोई कंसेप्ट मिल रहा है ऐसा तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक मैं आपको दिखा रहा हूं, यस यहीं से देख लेते हैं, आज का ही देख लेते हैं, सेम कंसेप्ट आप ले रहे हैं, कंसेप्ट सिंपल है बिल्कुल, कि आपको क्या करना है कि आपको अपने बाय और सेल जोन मार्क करने हैं। कैसे कर रहे हैं, अगर स्टॉक गिर रहा है तो आप अपने बाय जोन मार्क करेंगे, जैसे मेरा सबसे पहला बाय जोन कौन सा है, मेरा ये सबसे मेरा जो पहला बाय जोन है वो है ये वाला, इससे ऊपर, यस। अगर स्टॉक इससे ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, अगर इसकी लो तो ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो मेरा सेल जोन नेक्स्ट बन जाएगा, तो मेरा सेल ये बाय जोन अब ये आ गया, ये कैंडल नीचे निकली है तो मेरा बाय जोन फिर से ही चेंज हो गया, और अब कैंडल मेरी दोबारा से नीचे निकली, पहला लो ये था ब्रेक हो गया, दूसरा लो ये था ब्रेक हो गया, तीसरा लो ये था ब्रेक हो गया, और ये चौथा वाला लो मेरी बाइंग कहां पर आ गई है, यहां पर, इस समय इस जगह पर मेरी बाइंग है, क्लियर। अब इससे नीचे क्या मेरा एक लो बना है, यस मेरा एक लो यहां पर भी शिफ्ट हुआ है, देखिए ये नहीं ब्रेक हुआ है अभी भी, मेरा एक लो यहां पर शिफ्ट हो गया और मेरा एक लो यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर मेरे लो शिफ्ट हो गए हैं और मेरे बाय जोन बन गया है, अब जो मेरा बाय जोन है वो ये वाला बन गया, और इसे नीचे भी एक ब्रेक हुआ है, वो ये ब्रेक हुआ है, तो मैं इसको लूंगा, ऑलमोस्ट हालांकि बराबर ही है पर आपका डाउन ये ब्रेक हुआ है तो मेरा बाय जोन जो बन गया वो ये वाला बन गया, तो मेरा पहला बाय जोन ये आ गया और दूसरा बाय जोन मेरा ये आ गया। तो अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं आगे तक, मैं इसको हटा के अभी एक मिनट के लिए मैं इसको हटा के अपनी जो लाइंस है वो डाल देता हूं यहां पर, जो मेरा पहला बाय जोन आया है वो अंदाजन यहां पर है और मेरा जो दूसरा बाय जोन आया है वो अंदाजन इस जगह पर है, यस। अब देखिए मेरे दो बाय जोन आ गए हैं, अब मैं इनको बाय करने की कोशिश कर रहा हूं स्टॉक को, तो मैं कहां से करूंगा, मेरा पहला बाय यहां पर आया है इस जगह पर, यह 2385 पर, और इससे ऊपर अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं बाय की तो दूसरा कंफर्मेशन आपके पास 2389 पर है, और इसके बाद चेक करते हैं कि हमारी रैली आई थी, रैली आप चेक कर सकते हैं रैली आई थी कि नहीं आई थी। अब अगर मैं इसके बेस पर ये बोलना चाहूं कि मेरा सेलिंग कहां पर है, मेरी सेलिंग कहां पर आई थी, तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि मेरी सेलिंग कहां पर है इस समय, मैं अपने दोबारा से बाय और सेल जोन, क्योंकि अब मेरे को सेल ढूंढना है तो मैं अपने सेल ढूंढता हूं, मेरा पहला सेल यहां पर है, फिर यहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर शिफ्ट हुआ, ऊपर शिफ्ट हुआ, इनसे नीचे नहीं निकला कहीं पर भी, देखिए नीचे नहीं निकला, अगर नीचे निकल जाएगा तो मेरी सेलिंग पार्ट आ जाएगा, देखिए नहीं आया कहीं पर भी, नहीं आया, नीचे पहुंचा ही नहीं है वो,
अगर नीचे, और 5 मिनट की कैंडल है, देखिए 5 मिनट की कैंडल है, ये नीचे इसने ब्रेक नहीं किया, यहां पर भी ब्रेक नहीं किया, यहां पर भी ब्रेक नहीं किया, इस जगह पर भी ब्रेक नहीं किया। अब उसके बाद मेरा जो हाई बना है, देखिए मेरा लास्ट हाई कौन सा है, ये वाला देख रहे हैं, ये मेरा लास्ट हाई है यहां पर। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर ये मेरा जो लास्ट हाई बना है, क्या इससे ऊपर ही मेरा कोई हाई है? यस, एक बना तो है, कौन सा है? ये बना। रीजन क्या, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये ऊपर बना है? अगर कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कैंडल है, आप उसका लो मार्क करेंगे अपने सेल के लिए। तो मेरी हाई ये था, इसके ऊपर मेरी एक कैंडल बनी थी ये वाली, और इसके ऊपर भी आपका बनी है ये वाली, ऑलमोस्ट लगभग बराबर है, पर आप इसको और ऊपर गई है, ठीक है, लेकिन इसने इसके लो को ब्रेक करा हुआ है। तो मैं कौन सी वाली कैंडल पालूंगा? ये वाली, देख रहे हैं। अब मैं दोबारा से इनको मार्क करता हूं, इनको हटा लेता हूं मैं, अब मैं दोबारा से अपनी सेलिंग मार्क कर रहा हूं कि मेरा सेलिंग जोन कौन सा है, ये वाला, इसके नीचे पहला सेल, और मेरा जो दूसरा सेल बन रहा था, दूसरा जो सेकेंडरी मेरा एक कंफर्म सेल बन रहा है, वो यहां पर है। मेरे दो सेल आ गए हैं, अब दो सेल मेरे चल रहे हैं, और ये दो सेल मेरे को इनिशिएट करने हैं, मेरे को देखना है कि मेरे सेल कहां पर आ रहे हैं, तो मैं उन सेल के बेस पर अपना कैंडल्स के बेस पर अपना सेल इनिशिएट करूंगा। तो अभी देखिए यहां पर कहीं पर भी नीचे से अगर आप पूरा चेक करते हैं, कहां से किधर से चेक करते हैं, आप चेक कर रहे हैं अगर यहां से यहां तक, तो आपका सेलिंग जोन नहीं आया, कोई सेलिंग जोन नहीं है। लेकिन इस जगह पर, यहां पर आपको देखिए ये कैंडल इससे नीचे आई है, अगर मैं इसका ये चेक करता हूं कि ये कैंडल कितनी थी, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 2430 से और 2425, ये 5 पॉइंट की कैंडल थी यहां पर, ये एचडीएफसी बैंक में नीचे आई थी। लेकिन अब अगर आप क्या बोलते हैं, अगर कल मॉर्निंग में ये कैंडल नीचे निकलती है तो एक सेलिंग जोन आपको मिल जाएगा, और अगर ये ऊपर जाती है तो आपको एक बाइंग जोन मिल जाएगा, इवन सेलिंग जोन ही मिलेगा आपको वहां पर भी। तो ये आप यहां पर कर सकते थे, बहुत अच्छा था। बाकी कोई अगर आप स्टॉक में देखना चाहते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं हमारे निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स हैं, एक बार हम इनको चेक कर लेते हैं। तो यस बैंक चेक कर लेते हैं, ठीक है, यस बैंक में हमारी बाय आई थी कि नहीं आई थी, हम ये देख लेते हैं। यस बैंक में, यस बैंक में हम एक बार ट्राई करते हैं, यस बैंक क्योंकि अभी आया भी था नीचे, कि यस बैंक में क्या हमारा ये वाला कंसेप्ट लगता है या नहीं लगता है। कैंडल्स हैं, कैंडल्स बहुत सारी हैं, कैंडल्स काम करती हैं, हम कैंडल्स के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। यस, हम इसको चेक करते हैं, ये नीचे आया था, ये आपको पता है ये नीचे आया था, हम चेक करेंगे इसकी बाय हमें कहां से हम ले सकते थे, इस जगह से इनिशिएट कर सकते थे। अगर लेवल टू लेवल बात करते हैं, देखिए नीचे गया था, यहां पर आप अगर आप लेवल टू लेवल बात कर देंगे, थोड़ा लेवल हमें असल में 5 मिनट का है, मैं 5 मिनट प्रीफर नहीं करता हूं, मैं कम से कम इसे 15 मिनट प्रीफर करता हूं, वो रीजन है उसका, क्योंकि 5 मिनट में कैंडल बहुत जल्दी मूव करती है, तो 10 मिनट आप लें या फिर आप इसे 15 मिनट लें, दो कैंडल बहुत अच्छी है, पर 15 मिनट में यह है कि स्टॉक बहुत जल्दी निकल जाता है, आपकी वैल्यूज जा चुकी होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं या तो हम 10 मिनट लें, 10 मिनट ही अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हुआ, मॉर्निंग में स्टॉक खुला हमारा यहां पर, इसमें चेक कर लेते हैं, मॉर्निंग में हमारा स्टॉक खुला है इस जगह पर, मेरी बाइंग जोन यहां पर थी, नहीं आई, दूसरी बाइंग जोन यहां पर थी, नहीं आई, तीसरी बाइंग जोन देखिए इसने ब्रेक किया है, मेरी बाइंग जोन यहां पर थी इस जगह पर, मैंने आपको बोला 2-3 पॉइंट का तो आप बफर लेंगे यहां पर, जरूरी है, ठीक है, कभी भी लेते हुए, अदरवाइज यहां पर आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता था। देखिए हर बार आपको अच्छा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप थोड़ी कैंडल बड़ी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर आपको मिला है, इससे ऊपर आपकी बाय इनिशिएट होनी थी, यहां से ऊपर बाय इनिशिएट होनी थी, 2-3 पॉइंट का बफर जरूर रखेंगे, 1 या 2 पॉइंट का बफर जरूर होगा। अगर मैं यहां पर बफर देखता हूं तो मेरा कितना होगा, यहां पर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि मेरा जो बफर है वो 141, और ये 140 बहुत छोटा बफर था,
मतलब एक पॉइंट का भी बफर रखते तो आपका नहीं ये ब्रेक होना था, ठीक है। तो देखिए हमारा जो बाय आया वो यहां पर आया नेक्स्ट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो बाय इनिशिएट हो रहा था वो इस जगह पर आया, फिर यहां पर आया, फिर हमारा बाय यहां पर आया। ये देखिए इसने ब्रेक नहीं किया इस कैंडल को, इसलिए मैं अपना जो बाय है इस पर नहीं डालूंगा एकदम से, मैं कोशिश करूंगा मेरा बाय यहां पर रहे। चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, आप इनको बाय मान सकते हो इस जगह पर अगर ये कैंडल्स आप देखते हो, पर मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो फिर मैं इसी को अपना बाय मानू यहां पर। तो आपको यहां पर एक बाय मिलता था, यहां पर आप ले सकते हो दो तीन पॉइंट का बाय। उसके बाद मार्केट गिरा है, देखिए मार्केट पूरा गिरा है यहां पर, पूरा मार्केट गिरा है यहां पर। गिरने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपको ये जो आपको बाय मिले हैं ये नीचे आपका पूरा बाय मूव किया है। हर बार आपको अच्छा मिलेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये आपको बाय मिले हैं और ये आपको बाय मिले हैं, मेरे को एक तो इससे ऊपर बाय करना था और एक दूसरा मेरा बाय था इससे ऊपर, और आप चेक कर सकते हैं मॉर्निंग में खुला ही ऊपर है यहां पर। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे को आपको एक और स्ट्रेटेजी थी जो मेरे को आपको बतानी थी यहां पर, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी मेरे को बतानी है मैं 5 मिनट आपके ले लेता हूं उस स्ट्रेटेजी को बताने के लिए, उससे आप अपने स्टॉक्स डिस्कस कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट है तो यस है आपके पास 5 मिनट अभी बताएं मेरे को, है तो फिर मैं आपको बताता हूं, नहीं तो फिर मैं यही क्लास खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से ये भी आपको बुरा नहीं लगा होगा बाय सेल निकालना भी। हाँ जी नहीं, नहीं। म्यूट करके मेरे को बताओ, हाँ, बताओ तो। है टाइप है 5 मिनट, चलिए चलिए ठीक है, हम चेक करते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि आपको 15 मिनट की कैंडल चाहिए, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में आपको 15 मिनट की कैंडल चाहिए, क्लियर हो गया। और 15 मिनट की आप कौन सी कैंडल लगाएंगे, 15 मिनट की आप कैंडल लगाएंगे बार। अच्छा यस, 15 मिनट की मैं बार कैंडल लगाऊंगा और ये जो लाइंस मेरे को शो हो रही है ये मेरा पूरा दिन है, क्लियर हो गया। अब आपको ये देखना है, ठीक है, ये आपको ये कैंडल रोज नहीं बनेगी, ये मैं पहले बता दूं कि ये कैंडल रोज नहीं बनेगी, लेकिन जिस दिन बनेगी आपको फायदा देके जाएगी। 15 मिनट की कौन सी कैंडल बनी है, ये वाली देखिए दिन में, ये आपको कैंडल अजीब सी लग रही होगी क्योंकि आपने कैंडल स्टिक देखी है, ठीक है। आपको ऐसी कैंडल ढूंढनी है, आपको ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसका लो भी ब्रेक हुआ हो और हाई भी ब्रेक हुआ। मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगेगा। देखिए 15 मिनट की मैं इसको बड़ा कर लूं एक मिनट, यस दिख रहा है आप सबको। 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, 15 मिनट ये मैंने 15 मिनट लगाया हुआ है, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, ये हाई और ये लो, गॉट इट। इसने कौन सा ब्रेक किया है, इसने कौन सा ब्रेक किया है लो, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ, यस उसका ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। हमें ऐसी कैंडल चाहिए जिसका हाई और लो ब्रेक हुआ। अब देखिए पीछे से हम ढूंढते हैं ऐसी कैंडल जिसका हाई और लो ब्रेक हुआ, मेरे को वो कैंडल चाहिए जिसका हाई और लो रोज नहीं होगी ये कैंडल, ये मैं आपको पहले बता दूं, ऐसी कैंडल आपको रोज नहीं मिलेगी, कभी गलती से मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी। देख लेते हैं, यस ये देखिए यहां पर देखें, ये आपको कैंडल मिल रही है, इसका हाई कौन सा है, ये आपको स्टॉक में रोज बनेगी लेकिन अलग अलग स्टॉक में बनेगी, हर एक स्टॉक में नहीं बन सकती। ये इसका हाई था 15 मिनट की कैंडल का और ये इसका लो था, यस देख रहे हैं, ये इसका हाई और ये इसका लो, देखिए इसका हाई भी ब्रेक हुआ और इसका लो भी ब्रेक हुआ, क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। लो ये देखिए थोड़ा सा नीचे, अच्छा। क्या और कोई हम अच्छी कैंडल ले लेते हैं,
और कोई अच्छी कैंडल ले रहे हैं इसमें क्लियर कट ब्रेक हो रहा हो। यस आप देखिए ये देखें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इस वाली में तो कोई डाउट नहीं होगा। ये मेरी 15 मिनट का हाई है, ये मेरा 15 मिनट का लो है। क्लियर, मेरे को ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसका हाई और लो दोनों ब्रेक हुए हो। क्लियर, आप देखें ये मेरा हाई ब्रेक हो गया, मेरा हाई कौन सी है ये वाली, मेरा लो ब्रेक हो गया, मेरी हाई कौन सी है ये वाली। क्लियर, और स्टॉक पूरे दिन किस मूड में रहा है, स्टॉक पूरे दिन किस मूड में रहा है, ये लो के मूड में है, नीचे लो में ही रहा है स्टॉक। आपको बाय कहां पर करना है, आपको नेक्स्ट डे बाय करना है इससे ऊपर। अच्छा हो गया कंसेप्ट क्लियर, दोबारा चेक करते हैं, पीछे कहीं चेक करते हैं, अजीब सा है, अलग सा कंसेप्ट है, अजीब सा कंसेप्ट है, जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर चेक करते हैं, यहां पर मेरा हाई क्या है, ये लो क्या है, ये ठीक है। और हम कोशिश करेंगे हमें ऐसी कैंडल हमें मिले जहां की एक ही उसका बाय और सेल गया हो, मतलब ये एक ही कैंडल पे ये ऊपर हाई गया था और यहाँ रुक गया, इसको ब्रेक ही नहीं किया। अच्छा अब देखिए नीचे भी क्या हुआ, पूरा दिन मार्केट नीचे रहा, यहाँ पर नीचे रहा, मेरे को कहाँ पर बाय करना था, इससे ऊपर, अगर जाएगा इससे ऊपर तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सिंपल। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कहीं पर अगर आपको और मिला हो। अब ये देखिए ये आपका ये भी ये भी बहुत मिलेंगी, ये कैंडल मिलेंगी, ये मेरा हाई और ये मेरा लो। अब देखिए ये मेरा लो, मैं ऐसी इसमें भी मैं ऐसी कैंडल को प्रीफर करूंगा जिसका मेरा लो, देखिए ये लो था और ये हाई था, देख रहे हैं कहां पर रहा पूरे दिन स्टॉक, ये पूरे दिन ऊपर की तरफ चला स्टॉक, मैं इससे नीचे, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इससे अगर नीचे जाएगा तो आप सेल कर देंगे, और अगर इससे ऊपर जाएगा तो आप बाय कर देंगे, ऐसे भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके पास एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इसका आप ले सकते हैं आराम से। ये देखिए कहीं पर भी ये कैंडल आपको किसी भी स्टॉक में मिल जाएंगी, किसी भी स्टॉक में, तो आप यहां से अपना बाय सेल इनिशिएट कर सकते हैं। ये मेरे को आपको बताना था, आईबुल फाइनेंस का मैं देख लेता हूँ अगर मेरे को उसमें मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे को स्टॉक आज मूव किया था, तो इसमें चेक कर लेते हैं ऐसी कोई कैंडल आपको मिली थी कि नहीं मिली थी। ये कैंडल रोज नहीं बनेंगी, अब देखिए इस कैंडल में मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी जो कैंडल है ये देखिए, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, देखिए लो ब्रेक हुआ था, लो ब्रेक हुआ था ये इसका, ठीक है, और ये हाई में, उसके बाद देखिए पूरे दिन हाई में है कैंडल, मेरा कहां पर इसका सेल कहां पर आएगा, इसका सेल मेरा आएगा इससे नीचे, इससे नीचे जब भी होगा तो ये सेल में जाएगा, ये समझ रहे, भले अभी ऊपर है लेकिन उससे नीचे जब भी जाएगा तो इस सेल में आपको मिलेगा। ये सिंपल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट आप चेक करके रख सकते हैं, इसमें आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये आपका एक हाई था, इससे ऊपर जब भी जाता तो आपको एक वहां पर मिलता, एक हाई मिलता यहां पर, इसमें आप चेक कर सकते हो, यहां पर है अजीब सा कंसेप्ट लेकिन अच्छा है, इसका हाई ये था, इसका हाई ये था, देखिए लो ब्रेक हुआ, जो साइड कम ब्रेक होगी उस साइड पर आप जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, कम ब्रेक कौन सी हुई है, ये वाली, देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, जाने देना है मेरे को, तो अगले दिन के लिए स्टॉक चाहिए है, तो मेरे को इससे नीचे सेल डालना है, इससे नीचे जब भी, देखिए नेक्स्ट डे ये घूमता घामता आपके पास इसी जगह पर आ गया है, आप यहां से इसको सेल डाल सकते हैं, देख रहे हैं, ये है अजीब सा कंसेप्ट मगर कंसेप्ट अच्छा है, मैं आपको अभी बोल रहा हूं कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ये यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये 15 मिनट की कैंडल थी। ठीक है, लेकिन हाई और लो दोनों ब्रेक होने चाहिए तब आप काम कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज नहीं। इसको आप चेक करिएगा, इसको फिर से डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट को
लेकिन ये आपके बाय सेल के लिए अच्छे कंसेप्ट है, आप यूज कर सकते हैं इसको कहीं पर भी। ठीक है, चलो थैंक यू आज के लिए, आज की क्लास मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मैं वीरेश्वर वशिष्ठा देहरादून से। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8433077168 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, मेरे साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। फीस नॉमिनली है, 2000 रुपीज, ज्यादा नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज मेरे साथ जुड़े। थैंक यू।